ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 10 जो के हमारे पास है Fundamental Trigonometric Identities या जिसे हम Trigonometric Identities भी कह सकते हैं जिनमें के हम जो आज जिन टॉपिक्स को हम डिस्कवर करेंगे उसमें है Powers of Trigonometric Functions Second है Sum or Differences to Product Formulas और फिर इनका मतलब वाइस वर्सा भी होगा कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म्स या प्रोडक्ट फार्मूलाज गिवन होंगे तो हम वापस सम और डिफरेंसेस में भी लिखेंगे और थर्ड जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कवर करेंगे वो है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स या आप जानते हैं कि अलाइड एंगल्स जो होते हैं वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 के मल्टीपल्स में आते हैं ठीक है अब 90 के इवन मल्टीपल में आए ऑड मल्टीपल में आए हम उन्हें अलाइड एंगल्स कहते हैं तो अब हम इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो अब हम सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट हम ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं इसमें कोसाइन एक फंक्शन है जिसकी पावर क्यू है माइनस साइन एक फंक्शन है जिसकी पावर क्यू है अगर इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस दिया जाए तो हमारा क्या जवाब आएगा अब यहाँ पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग का जो मतलब टेक्निक है उस टेक्निक को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं देखें हम अगर फर्ज करते हैं कि चूंकि ये रिलेशन ट्रू है हम क्यू एंगल इसमें कोई अक्यूट एंगल पुट कर लेते हैं 30 डिग्री ठीक है अब हम ये बात जानते हैं कि कॉस की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री पे होती है स्क्वायर रूट 3/2 ठीक है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन की वैल्यू जो है 30 डिग्री के ऊपर होती है कितनी जी 1/2 ठीक है 1/2 जो कि हमें जुबानी याद होती है अब अगर इनकी पावर्स 4 ले ली जाए ठीक है यानी यहाँ पर अगर पावर 4 की बात की जा रही है तो हम दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी पावर 4 इसी तरह दूसरी तरफ भी यहाँ पर इस रिलेशन में भी पावर 4 दोनों तरफ ले ली जाएगी तो ये आंसर हमारा जो है अंडर रूट 3 दो दफ़ा जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा और 3 मतलब 4 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 तो ये 9 आएगा ठीक है 3 3 9 तो ये 9 आ गया जबकि 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है ठीक है ये हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 1/16 आ गया ठीक है अब अगर आप ये वैल्यू देखें तो ये 9/16 है और ये 1/16 है तो ये चूंकि डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर सबट्रैक्ट हो जाएंगे 9 में से 1 माइनस करेंगे 8/16 या इसको हम 1/2 कह सकते हैं ठीक है अब हम जानते हैं कि q हमने 30 डिग्री पुट किया था ठीक है और cos 60 की वैल्यू जो होती है cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 ठीक है तो आप ये देख सकते हैं कि ये 1/secant को आप cos 2q समझ सकते हैं तो मतलब q अगर आप 30 पुट करेंगे तो इसका डबल 60 हो जाएगा जो कि 1/2 के भी बराबर है इसका मतलब ये वो ऑप्शन है जो कि इस कंडीशन में हमें ये आंसर देगा 1/2 बाकी आप अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये 1/2 यानी इसका 2 आंसर आ जाएगा जो कि फिर इस ऑप्शन से मैच नहीं करेगा ठीक है इसी तरह ये भी मैच नहीं करेगा ठीक है ये बेसिकली इसी को लिखा हुआ अगर आप देखें तो बी और डी ऑप्शन एक ही हैं ठीक है और इसी तरह ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकेगा तो ओवरऑल हमने समझ लिया कि हम कैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स अब सेकंड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जिसमें कि हमारे पास कोसाइन एक फंक्शन है जबकि पाई बाय 2 माइनस थीटा ये इसका एंगल है एक अलाइड एंगल है इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू है अब इसकी वैल्यू इन ऑप्शन में से किससे मैच करेगी यहाँ पर हम ये बात याद रखें कि जब अलाइड एंगल की बात होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है जिसपे कॉस फंक्शन प्रेट हो रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है क्या ये फर्स्ट में है ठीक है तो अगर फर्स्ट में होगा तो फिर हमने पढ़ रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं इसलिए ऑप्शन ए और बी में से कोई एक हो सकता है सी और डी नहीं हो सकते ये दो ऑप्शन तो हमारे ख़त्म हो गए ठीक है अब इसके बाद हमने ये बात नोट की कि जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं एक्यूट एंगल्स की ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ठीक है और इनसे ये फ़र्क पड़ता है कि जो एंगल की अपोजिट साइड होती है वो चेंज हो जाती है मतलब
अगर एंगल अल्फा के वाले से ये परपेंडिकुलर साइड है तो बीटा के हिसाब से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो मतलब इसमें हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन, अगर यहाँ पे वैल्यू कॉक अगर को साइन दे रहा है पाई बाय टू माइनस थीटा, तो थीटा पे साइन की वैल्यू वो होगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है हम इसको मार्क कर देंगे। और फिर इसमें एक हमने ये भी रखा हुआ है कि अगर ऑड मल्टीपल हो 90 का, जैसे पाई बाय टू 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 के ऑड मल्टीपल्स में मतलब 90 आता है पाई बाय टू यानी, फिर 3 पाई बाय टू आता है, ठीक है, ऐसा 5 पाई बाय टू आता है, इससे ऑड मल्टीपल्स है। तो ऑड मल्टीपल्स हों तो फिर जो साइन फंक्शन है वो कोसाइन और कोसाइन जो है वो साइन में तब्दील हो जाता है। तो इस लिहाज से फिर हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, वो एक इसका बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा जी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हेन साइन 3a इनटू कोसाइन 5a इज एक्सप्रेस्ड एज सम और डिफरेंस वी गेट, यानी जब भी आप साइन 3 और कोसाइन 5a के प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखेंगे तो इनमें से कौन सा रिलेशन हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जब हम साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कोसाइन बीटा की बात करते हैं तो हमने ये रिलेशन डिराइव किया था कि ये इक्वल टू किसके होता है जी, ये इक्वल टू होता है 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और माइनस साइन ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। ये रिलेशन हमने ऑलरेडी जो है वो ड्राइव किया हुआ है, सही जी। अब यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा एंगल है वो 3a है और बीटा एंगल जो है वो 5a है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लें, ये लिख दिया जाए साइन 3a और यहाँ पे लिख दिया जाए कोसाइन 5a, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखिए 1/2 आएगा, यहाँ पर साइन आएगा फंक्शन, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा यानी 3a में से 5a माइनस करेंगे हम तो माइनस 2a आ जाएगा जवाब हमारा, ठीक है, माइनस। और जब हम यहाँ से साइन की वैल्यू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी 3a प्लस 5a, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8a, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है जी। और साइन हम जानते हैं कि एक हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो इसमें फिर हमारे पास जो नेगेटिव साइन है ये ब्रैकेट से मतलब बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ 2a और नेगेटिव साइन 8a, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। और अगर हम इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बल्कि यहाँ पर हम एक छोटी सी करेक्शन भी साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इस फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आएगा, जबकि यहाँ पर जब साइन अल्फा कॉस बीटा आएगा तो वो नेगेटिव साइन के साथ फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है और जो सेकेंड टर्म है उसकी उसमें जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से सॉरी नेगेटिव हो जाएंगे और कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा जो कि माइनस टू टाइम बनता है, यानी यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ये एक्चुअली इस फार्मूला में यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ये वाला नेगेटिव साइन चूंकि हमें जो वैल्यू गिवन है वो पॉजिटिव साइन 3a कॉस ऑफ 5a की वैल्यू गिवन, तो ये नेगेटिव साइन जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो इसको पॉजिटिव बना देगा, यानी पॉजिटिव 1/2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू किसके बराबर है साइन 3a और कोसाइन 5a के, ठीक है, पॉजिटिव में 1/2 टाइम्स साइन 2a प्लस साइन 8a, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। आपको बात समझ गए होंगे, यहाँ पर जो भी मैंने करेक्शन कराई है इसकी एक्सपेंशन से आप ये फार्मूला जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। स्टूडेंट्स अब इस एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं जिसमें एक कोसेकेंट 2 थीटा माइनस को टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। चूंकि ये अगर हम इसको इसके इक्वल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे तो ये
एक आइडेंटिटी बनेगी, यानी ये थीटा की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, चलें थीटा की जगह पुट कर लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोसेकेंट 60 की वैल्यू, चूंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, अगर साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है। और कोटेंजेंट, जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3, ठीक है। फिर तो अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम ले लें, अंडर रूट 3 आ जाएगा, और न्यूमरेटर्स का डिफरेंस भी ले सकते हैं अब हम, तो वो 1 आ गया। अब देखिए, हमें पता है कि टेंजेंट 30 की वैल्यू ही 1/√3 होती है, ठीक है। क्योंकि ना तो ये बी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पहली बात के कॉस के मतलब कॉस 30 और कॉस 60 जो भी वैल्यू देते हैं, मतलब अगर 30 की देखें तो अंडर रूट 3/2 और 60 की 1/2, तो ये तो हो नहीं सकते ऑप्शन में। और टेन 60 की वैल्यू स्क्वायर अंडर रूट 3 आती है, तो ये तो 1/√3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा फिर क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के सामने रिवर्स इंजीनियरिंग के इस टेक्निक से जो है वो एक प्रॉब्लम जो है ये MCQ जो है उसका ऑप्शन जल्दी से ढूंढ लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट इस तरह से कि कोसाइन स्क्वायर ऑफ 45 प्लस एक्स, या हम यू भी पढ़ सकते हैं कि कोसाइन ऑफ 45 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंस लिया जा रहा है साइन स्क्वायर ऑफ 45 माइनस एक्स से, और इसका आंसर क्या आएगा। अब देखें, इसे हम क्विकली सॉल्व करें, ये अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये ए स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, अगर और इसे हम कहें कि ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये तो फार्मूला हमारे पास जिसको हम ए डिफरेंस बी और ए प्लस बी के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस टेक्निक को, यह इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखें, हम लिखेंगे कॉज ऑफ 45 प्लस एक्स, ठीक है, और एक दफ़ा प्लस करेंगे इसमें साइन 45 प्लस एक्स को, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और एक दफ़ा हम इस प्रोडक्ट को यूँ लिखेंगे कि कोसाइन ऑफ 45 प्लस एक्स, इसमें माइनस कर देंगे साइन ऑफ 45 और माइनस एक्स को, ठीक है, 45 माइनस एक्स। यहाँ भी मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये माइनस एक्स था, मैंने इसे प्लस एक्स लिख दिया। ये एंगल है, इसलिए हम इसको विद इन दी ब्रैकेट्स भी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, स्पेस ने साइन फंक्शन ने ऑपरेट होना है इस तरह। अब देखिए, अगर इस फार्मूला को हम ओपन करें तो कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कॉज 45 और कॉज एक्स और साइन 45 माइनस में, मतलब माइनस साइन 45 साइन एक्स। तो क्योंकि कॉज की वैल्यू 45 पे और साइन की 45 पे वैल्यू सेम होती है, ये होती है, यहाँ पे मुझे साइन लिखना चाहिए था जी, साइन 45 ये होती है हमारे पास 1/√2 के एक बार, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक्स ओवर अंडर, मतलब साइन एक्स ओवर अंडर रूट टू, और बल्कि मैं इसको लिख ही देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू, चूँकि जब मैंने कॉस 45 की वैल्यू लिखी हो, यहाँ पर आएगा साइन एक्स ओवर अंडर रूट टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जवाब आएगा, देखिए साइन 45 और कॉस एक्स, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स ओवर अंडर रूट टू, ठीक है। और माइनस के साथ जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो अब हमारे पास आएगा कॉस 45 साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x और cos 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है इस साइड का, अब हम मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा है। अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं इसी तरह सेम, ये हमारे पास रिलेशन आएगा, ठीक है, यानी cos x ओवर अंडर रूट टू माइनस साइन x ओवर अंडर रूट टू, ठीक है जी। और जब हम माइनस, चूंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें और इसमें से फ़र्क ये आएगा कि ये जो टर्म पॉजिटिव के साथ थी वो नेगेटिव के साथ आ जाएगी, और जो नेगेटिव के साथ है वो पॉजिटिव के साथ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, साइन एक्स ओवर अंडर रूट टू इस तरीके से। तो देखें, अब ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जीरो बच रहा है, और जीरो किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो तो उसे जीरो बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो इधर क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर है। चलिए जी लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 225 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये एक अलाइड एंगल से रिलेटेड जो है एमसीक्यू बन चुका है। टेंजेंट हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब 225 डिग्री जो है इसको अगर मैं यूं लिख दूं कि 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, तो ये 225 ही लिखा हुआ है। अब 180 जो है चूंकि 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है, इसका मतलब ये 90 का इवन मल्टीपल है, ठीक है। तो इवन मल्टीपल के केस में हम ये करते हैं कि जो आंसर है मतलब जो फंक्शन है वो रिप्लेस हो जाता है उसी से, मतलब अपने उसी फंक्शन से, टेंजेंट से ही, और इस पे जो एंगल ये एक्यूट एंगल बन रहा है 45 ये ले लेते हैं। जबकि साइन जो है वो जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल होता है, ठीक है, और फिर इस फंक्शन का देखा जाता है कि इसका इस मतलब जो क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा और टेंजेंट 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें 1 लिखा हुआ वो एक क्या हो जाएगा, हमारा बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा।